नमस्कार फ्रेंड्स, आरबी मोरा चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आइए सीख लेते हैं एक आसान सा सोशल मीडिया ऐड डिजाइन जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो उसके लिए मैटर मैंने पहले से टाइप कर लिया है और इस इमेज के बैकग्राउंड को मैंने फोटोशॉप में जाकर रिमूव किया है और कुछ लोगो भी डाउनलोड कर लिए हैं। तो इन सभी को मिलाकर एक आसान सा सोशल मीडिया ऐड डिजाइन कम्प्लीट करेंगे। डिजाइन कम्प्लीट होने के बाद इसके CDR फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप CDR फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। इसको मैं पेज से बाहर कर लेता हूँ। उसके बाद टूल्स में जाएंगे, एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेंगे। रेक्टेंगल में कंट्रोल की प्रेस करते हुए ड्रा कर रहा हूँ बिल्कुल वर्गाकार में। उसके बाद कीबोर्ड से पी प्रेस करेंगे, पेज के सेंटर में चला जाता है। अब इसी के अंदर इन सभी मैटर को सेट करेंगे। तो मैं नेम को यहाँ पर सेट कर लेता हूँ, इसकी साइज परफेक्ट है। अब इन दोनों को सेट करेंगे, कीबोर्ड से सी प्रेस करेंगे, सेंटर से अलाइनमेंट हो जाता है। इसमें कलर फिल करेंगे ब्लू। उसके बाद इन दो सभी मैटर को मैं इसके बॉटम साइड में यहाँ पर सेट कर लेता हूँ, लेकिन इसको इस तरीके से दो लाइन में नहीं सेट करेंगे बल्कि इसको मैं चार लाइन में सेट कर देता हूँ, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो मैं यहाँ से इंटर करता हूँ, उसके बाद मरीजों के बाद से इंटर प्रेस कर लेंगे। अब हमें एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे, उससे पहले थोड़ा सा इसके स्पेस को कम कर देते हैं शेप टूल का इस्तेमाल करके। तो शेप टूल सेट करेंगे और सिंपली यहाँ से थोड़ा सा टॉप साइड में करेंगे। अब इन दोनों को थोड़ा सा और करीब कर लेते हैं। उसके बाद एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे, तो टूल्स में जाएं और एक रेक्टेंगल ड्रॉ करें। रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद इस पर क्लिक करेंगे और इस एरो से तिरछा कर लेंगे लेफ्ट साइड में लगभग इतना। अब इसको और लेफ्ट साइड में लाएंगे यहाँ पर। उसके बाद क्या करना है, इन दोनों को सेलेक्ट करना है, प्रॉपर्टी बार में जाना है और यहाँ से कर देना है इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट जैसे आप करते हैं तो इतना पार्ट आपको मिल जाता है और इसको सिंपली डिलीट कर दें। इसी का जस्ट एक डुप्लीकेट करेंगे और इसमें इसे डिफरेंट कलर फिल कर देते हैं। तो इसमें मैं फिल कर देता हूँ केसरिया कलर। आउटलाइन रन करेंगे, कंट्रोल या शिफ्ट के साथ आप कर लें पेज डाउन। पेज डाउन करने के बाद इसी का एक और डुप्लीकेट करेंगे और इसकी साइज छोटी कर लेते हैं। इसमें मैं टाइप करता हूँ निःशुल्क, लगभग इतनी साइज रखते हैं इसकी। और इसमें कलर फिल कर लेते हैं फिलहाल अभी रेड, और इसको यहाँ से करते हैं मिरर। अब इसकी साइज और बढ़ा देते हैं राइट साइड में। तो शेप टूल का इस्तेमाल करके मैं इसकी साइज बढ़ा रहा हूँ। साइज बढ़ाने के बाद इसी का जस्ट बॉटम साइड में डुप्लीकेट कर लें। तो कंट्रोल की प्रेस करेंगे, माउस लेफ्ट बटन प्रेस करते हुए इस पॉइंट से बॉटम साइड में ड्रैग करेंगे, फिर राइट बटन क्लिक करके छोड़ देंगे तो इसका एक डुप्लीकेट हो जाता है। उसके बाद इन दोनों को सेट करेंगे, प्रॉपर्टी बार में जाएंगे और यहाँ से कर देते हैं इंटरसेक्ट। अब मैं इस रेक्टेंगल को डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं इतना पार्ट अलग हो जाता है। इसमें मैं इससे डिफरेंट कलर फिल कर देता हूँ, इसका कलर कर देंगे ब्लू। अभी फ़िलहाल मैं टेम्परेरी कलर फिल कर लेता हूँ, इसको बाद में चेंज करेंगे। अब मैं इस रेक्टेंगल को शिफ्ट के साथ करता हूँ पेज डाउन। पेज डाउन करने के बाद इस टेक्स्ट को मैं सेट कर लेता हूँ, तो इसको और सेंटर में लाएंगे और इसका कलर चेंज कर लेते हैं। इसमें मैं मैरून कलर फिल कर देता हूँ, तो यहाँ से रेड कलर फिल करेंगे। उसके बाद कीबोर्ड से जी प्रेस करेंगे, इसमें ब्लैक मिक्स कर देते हैं, तो मैं ब्लैक 35% मिक्स कर देता हूँ, ओके। और इसका कलर ब्लैक ही रहने देते हैं। अब इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे और साइज इसी थोड़ी सी और बढ़ा लेते हैं। तो शिफ्ट की प्रेस करते हुए मैं इसकी साइज़ बढ़ा देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर टाइप करेंगे निःशुल्क। उसके बाद इसको मैं दो लाइन में कर लेता हूँ। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर एक रेक्टेंगल और ड्रॉ कर देना है। इसमें हम सेट करेंगे एड्रेस और संपर्क सूत्र। तो एक बार फिर से टूल्स में जाएं, एक रेक्टेंगल ड्रॉ करें। रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद इसको भी तिरछा कर लेते हैं, तो इस पर क्लिक करेंगे और इस एरो से मैं तिरछा कर देता हूँ लेफ्ट साइड में लगभग इतना। इसी रेशियो में इसको तिरछा करें तो थोड़ा सा मैं और कम ही कर लेता हूँ। उसके बाद हमें क्या करना है, इसी रेक्टेंगल का डुप्लीकेट कर देना है। तो कंट्रोल की प्रेस करेंगे और इस पॉइंट से लेफ्ट साइड में ड्रैग करेंगे, राइट बटन क्लिक करके छोड़ देंगे तो इसका एक डुप्लीकेट हो जाता है। डुप्लीकेट करने के बाद इस पार्ट को मैं फिल कर देता हूँ स्मार्ट फिल टूल का यूज़ करके। तो टूल्स में जाएँ, स्मार्ट फिल टूल सेट करें, सिंपली इस पार्ट को फिल कर दें। अब मैं इस रेक्टेंगल को डिलीट कर देता हूँ, इसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है। अब इसमें मैं कलर फिल कर लेता हूँ, तो इसमें ब्लू कलर फिल करेंगे, कीबोर्ड से जी प्रेस करेंगे और इसमें से मैं मैजेंटा कम कर देता हूँ। तो मैजेंटा करते हैं 75, ओके। और इसका कलर मैं कर लेता हूँ केसरिया।
इन सभी के आउटलाइन को नन करेंगे और इसमें मैं सेट कर लेता हूँ एड्रेस और संपर्क सूत्र। तो इस रेक्टेंगल की साइज थोड़ी सी हमें और बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर कंजेस्टेड हो रहा है। इसका कलर करेंगे वाइट और इस कॉर्नर से मैं इसकी साइज़ और बढ़ा देता हूँ। तो इन दोनों को पहले सेलेक्ट कर लें, अब इसकी साइज़ बढ़ा लें। थोड़ा सा हमें एडजस्ट करना पड़ेगा बाद में क्योंकि यहाँ पर स्पेस हो गया है, तो इसको एडजस्ट कर लें इस तरीके से। उसके बाद इस टेक्स्ट को भी सेट कर लें, थोड़ा सा मोबाइल नंबर और बढ़ा देता हूँ मैं। उसके बाद ये जो रेक्टेंगल बाहर जा रहा है, चाहे तो आप इसी में पावर क्लिप कर दें या फिर इसको कट भी कर सकते हैं इतना पार्ट। तो कट कैसे करेंगे, इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे, प्रॉपर्टी बार में जाएंगे और यहाँ से कर लेते हैं इंटरसेक्ट। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। लेकिन जब आप इस तरीके से करते हैं तो जो कलर फिल रहता है वो फिल हट जाता है, तो फिल से मैं इसमें कलर फिल कर लेता हूँ और इसी प्रकार से इसको भी कट कर लेते हैं। या फिर चाहे तो आप एक रेक्टेंगल ड्रॉ करें, रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद इन दोनों को सेलेक्ट करें, प्रॉपर्टी बार में जाएं और यहाँ से कर लें बैक मेंस फ्रंट, तो भी आप इस तरीके से लाइन कट कर सकते हैं। अब इसका कलर मैं चेंज कर लेता हूँ, या फिर ब्लैक परफेक्ट है और इसमें मैं इससे थोड़ा सा अलग कलर फिल कर लेता हूँ। तो इसमें भी ब्लू कलर फिल करेंगे, कीबोर्ड से जी प्रेस करेंगे और यहाँ पर मैं फिल कर लेता हूँ मैजेंटा कलर। ओके, और इसका कलर चेंज कर लेते हैं। अब इन सभी मैटर को बाहर से ड्रैग करते हुए सेट करेंगे, थोड़ा सा और टॉप साइड में ले जाएंगे यहाँ पर। उसके बाद इन सभी मैटर को हम इसी में सेट कर लेते हैं। तो मैं इन सभी को बाहर से ड्रैग करते हुए सेट करता हूँ और एक साथ यहाँ पर लाते हैं। इसकी साइज थोड़ी सी और छोटी कर देंगे, उसके बाद इसको और टॉप साइड में ले जाएंगे और इसका कलर जो है इसको मैं कर देता हूँ रेड या फिर मैरून भी कर सकते हैं, थोड़ा सा और लाइट ही रखते हैं इसको। ओके, और साथ ही मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अवश्य करें। इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ, इसका कलर कर देते हैं ब्लू, थोड़ा सा इससे डिफरेंट लगेगा, कलर अलग रहेगा। और ये जो मैंने लोगो इंसर्ट किया हुआ है इसको भी यहाँ पर सेट कर लेते हैं। तो इन सभी को सेलेक्ट करता हूँ और इसकी साइज थोड़ी सी और छोटी करते हैं, उसके बाद यहाँ पर सेट कर लेंगे और फिर इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड से सी प्रेस करेंगे, सेंटर से अलाइनमेंट हो जाता है। इसी प्रकार से टेक्स्ट को भी अलाइनमेंट कर लेंगे। उसके बाद अधिक जानकारी के लिए इसको मैं दो लाइन में सेट कर लेता हूँ। तो यहाँ से इंटर प्रेस करेंगे, उसके बाद कंट्रोल ई के साथ इसको मैं सेंटर से अलाइनमेंट कर लेता हूँ। अब इसको यहाँ पर सेट कर लेते हैं, इसकी साइज और छोटी करेंगे। उससे पहले सेव टूल का इस्तेमाल करके इसका स्पेस मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ। स्पेस कम करने के बाद कंट्रोल के से करें ब्रेक अपार्ट और इसकी साइज थोड़ा सा और बढ़ा दें लेफ्ट और राइट से, और कंट्रोल जी से ग्रुप कर लें, इसकी साइज थोड़ी सी और छोटी कर लें आप। अब मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। तो इस फोटो को थोड़ा सा और टॉप साइड में कर लेंगे, इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे, थोड़ा सा टॉप साइड में लाएंगे यहाँ पर और इसको अंदर भी कर लेते हैं। अब मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ, तो टूल्स में जाएं या फिर क्या करें, इसी का डुप्लीकेट कर लें। तो इसको सेलेक्ट करेंगे और जस्ट इसी का डुप्लीकेट कर लें बॉटम साइड में। इसमें मैं फिल कर देता हूँ ग्रीन कलर। अब एक रेक्टेंगल और ड्रॉ करेंगे जिसमें हम नेम मोबाइल नंबर को सेट करते हैं ताकि थोड़ा सा वो इससे अलग लगे। तो उसके लिए टूल्स में जाएं, एक रेक्टेंगल ड्रॉ करें और इसके कॉर्नर को मैं राउंड कर देता हूँ सेफ टूल का इस्तेमाल करके। तो टूल्स में जाएं और सेफ टूल सेट करें, सिंपली इसके कॉर्नर को राउंड कर दें और इसका भी कलर ग्रीन ही कर लेते हैं। कलर ग्रीन करने के बाद इसको मैं ब्रैक कर देता हूँ यहाँ से, इतना पार्ट जो बाहर जा रहा है। तो इसी रेक्टेंगल का मैं डुप्लीकेट करता हूँ बॉटम साइड में। उसके बाद इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे, प्रॉपर्टी बार में जाएंगे और यहाँ से कर लेते हैं बैक मीन्स फ्रंट। अब इन दोनों को आपस में बिल्ड कर लें, इसमें हम ग्रेडियंट कलर यूज़ करेंगे। तो सिंपली यहाँ से बिल्ड करेंगे और कीबोर्ड से जी प्रेस करेंगे। यहाँ पर मैं डार्क ग्रीन कलर फिल कर लेता हूँ। तो डार्क ग्रीन कलर फिल करने के बाद प्रॉपर्टी बार में जाएं और यहाँ से कर लें रिपीट एंड मिरर। अब इसी का एक डुप्लीकेट करेंगे और इसमें थोड़ा सा इससे डिफरेंट कलर फिल करते हैं। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को अलाइनमेंट कर लेना है। तो इन दोनों को पहले सेलेक्ट कर लेंगे, कीबोर्ड से बी प्रेस करेंगे, बॉटम साइड से अलाइनमेंट हो जाता है। थोड़ा सा इसको टॉप साइड में रखेंगे और इस फोटो को थोड़ा सा और राइट साइड में कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर चाहें तो कुछ थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हैं, वैसे फ़िलहाल परफेक्ट लग रहा है। अब इन सभी को मैं बाहर से ड्रैग करते हुए स्टार्ट करता हूँ और इसी रेक्टेंगल में कर देते हैं पावर क्लिप। तो इस पर राइट क्लिक करेंगे और पावर क्लिप इनसाइड,
तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितना आसानी के साथ इस तरीके से मैंने सोशल मीडिया ऐड डिज़ाइन कंप्लीट कर लिया है। आप भी प्रैक्टिस करें, इससे अच्छे अच्छे डिज़ाइन बना सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।